हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक्सवी 4XO गाड़ी के बारे में। 4XO गाड़ी के बारे में हमारा फिर से एक वीडियो आया। वीडियो दोबारा क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि गाड़ी के अंदर आ चुके हैं लेटेस्ट अपडेट। लेटेस्ट अपडेट क्या क्या आए हैं तो उसी के बारे में आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। इंटीरियर वाइज क्या क्या गाड़ी के अंदर चेंज आया है और क्या क्या अपडेट आया नया, तो आज उसी के बारे में हमारा वीडियो रहेगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा क्या क्या वीडियो कैसा लगा और इन्फॉर्मेशन कैसी थी। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आइए देखते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या लेटेस्ट अपडेट आया। तो आइए गाइस चलते हैं गाड़ी के अंदर, देखते हैं लेटेस्ट अपडेट क्या क्या आया गाड़ी के अंदर, जाके देखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पहुंचता हूँ तो पैसिव कीलेस एंट्री पहले भी आ रहा था गाड़ी के अंदर, तो पैसिव कीलेस एंट्री के बाद मैंने एंट्री की गाड़ी के अंदर, तो काफी शानदार एक इंटीरियर आ गया गाड़ी का। आप देख सकते हैं ड्यूल टोन डैशबोर्ड आ गया गाड़ी का। काफी फीचर जो नए अपडेट हुए हैं गाड़ी के, तो उसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले थे। म्यूजिक सिस्टम चेंज कर दिया कंपनी ने, तो हम बात करते हैं इसके बारे में। रोक ले बस ये वीडियो। तो हम बात करने वाले थे गाड़ी के इंटीरियर में क्या क्या अपग्रेड आया। अब मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर, तो देखते हैं क्या क्या अपग्रेड गाड़ी के अंदर दिया है कंपनी ने। तो सबसे पहले अगर मैं अपग्रेड की बात करता हूँ तो नया डैशबोर्ड आ गया, बिल्कुल न्यू डैशबोर्ड कंपनी लेके आई है एक्सवी 4XO के अंदर। सबसे पहला अपडेट ये है कि गाड़ी के अंदर जो है नया डैशबोर्ड आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इन्फोटेनमेंट सिस्टम की, गाड़ी का इन्फोटेनमेंट सिस्टम आ गया 10.25 इंच का। नया इन्फोटेनमेंट सिस्टम आ चुका है गाड़ी के अंदर, जिसके अंदर आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, म्यूजिक सिस्टम, रेडियो, फोन एंड नेविगेशन। नेविगेशन का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है। उसके बाद जो थर्ड अपडेट रहेगा वो रहेगा क्लस्टर का। 10.25 इंच का गाड़ी का क्लस्टर आ गया है, जो कि पहले नहीं आता था। 10.25 इंच का क्लस्टर दे दिया गया मल्टी इन्फॉर्मेशन के साथ, ये भी आ गया। नेविगेशन का ऑप्शन आपको इसके अंदर भी मिल जाता है। उसके बाद स्टेयरिंग जो है फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग, जो गाड़ी की लुक को अंदर से काफी इन्हेंस करता है, काफी स्टाइलिश बनाता है जो फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है गाड़ी का। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ गाड़ी के इंटीरियर की, ड्यूल टोन का इंटीरियर रहेगा, बेज और ब्लैक कलर का इंटीरियर गाड़ी का आ गया है। बेज और ब्लैक कलर का इंटीरियर गाड़ी के अंदर आ गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाड़ी की फाइव अपडेट की, पांचवा जो अपडेट है गाड़ी का वो है ड्यूल टोन इंटीरियर। उसके बाद छठा जो अपडेट है वायरलेस चार्जिंग का, इसके अंदर ऑप्शन दे दिया गया। वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन आपको एक्सवी 4XO गाड़ी के अंदर मिल जाता है। उसके बाद ड्यूल जोन ऑटोमेटिक एसी का ऑप्शन आपको मिल जाता है। ड्यूल जोन ऑटोमेटिक एसी का ऑप्शन आ गया गाड़ी के अंदर। ड्यूल जोन इस को ड्राइवर और ड्राइवर दोनों साइड का टेम्परेचर अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। ड्यूल जोन एफएट एसी का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ गाड़ी के अपडेट की, तो जो अपडेट रहेगा वो रहेगा सेकेंड रो में एसी इवेंट दे दिया गया। अभी हम चलते हैं सेकेंड रो में, तो देखते हैं वहाँ पे सेकेंड रो में जो एसी इवेंट आ गया है। सेकेंड रो में चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या अपडेट आया है। तो सेकेंड रो में जैसे मैंने एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पे आ गया एसी वेंट आ गया सेकेंड रो में, जो पहले नहीं आ रहा था, पहले गाड़ी में नहीं था, अभी वो आ गया। उसके अलावा ओवर द एयर अपडेट का ऑप्शन आ गया, जो म्यूजिक सिस्टम सामने है आपको पहले की तरह कंपनी में नहीं जाना पड़ेगा कि अपडेट कोई भी चीज अपडेट करानी है, तो जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसी के अंदर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहीं से ही आप अपनी गाड़ी को अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन रहेगा वो है एड्रोनेक्स, इसके अंदर आ गया। एड्रोनेक्स कनेक्ट एप्लीकेशन के साथ गाड़ी कनेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी अलेक्सा अभी आने वाला है, जैसे अलेक्सा आएगा इसी म्यूजिक सिस्टम में आपका वो अपडेट हो जाएगा वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले। तो ये 12 फीचर अभी लेटेस्ट अपडेट हुए हैं गाड़ी के अंदर, जो अभी मैंने आपसे शेयर किए हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह की मल्टी इन्फॉर्मेशन मैं फ्यूचर में आपके पास लाता रहूंगा और प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो एक्सवी 4XO के लेटेस्ट जो अपडेट थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। थैंक यू सो मच।